हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम संजय खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स में। आज का हमारा टॉपिक है ड्रामा। स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी दो क्लासों में हमने पीछे लिटरेरी टर्म्स के अंदर हमने सोनेट के बारे में पढ़ा था, हमने शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ा था, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर न्यू लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, जिसको हम हिंदी में नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नाटक। और जहां भी नाटक की जहां बात आती है, तो ऐसा कोई शायद दिन होगा जिस दिन में हम इस शब्द का इस्तेमाल है वो नहीं करते होंगे। यानी नाटक की बात आती है तो हम बहुत बार अपने फ्रेंड्स को, अपने कंपेनियंस को ये कहते हैं, मिल सकते हैं कि भाई नाटक है, क्यों कर रहा है ना। तो आज हमारा एक ऐसा ही लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी डिवाइस जो हमारे पास है वो है आपकी बात ड्रामा की। नाउ ड्रामा जो नाटक है स्टूडेंट वो पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में हमें उसकी डेफिनेशन है, उसके अंदर होने वाले जो एलिमेंट्स है वो हमें जानना जरूरी है, ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, सॉल्व कर सके। ड्रामा क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, ड्रामा is a form of literature. Students, drama है वो एक literature की form है ना? Drama is a form of literature. आगे देखेंगे आप, intended be परफॉर्म्ड, यानी इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म्ड किया जाता है, यानी इसको प्रदर्शित किया जाता है। कहां पे ड्रामा जो होगा वो कहां प्रदर्शित होगा? वो स्टेज पे प्रदर्शित होगा। कहां डिस्प्ले किया जाएगा उसको? स्टेज पे, ऑन द स्टेज बिफोर एंड ऑडियंस, बिफोर एन ऑडियंस और स्टेज पर। बहुत ही इजी सी लाइन है और हम सब इस चीज के बारे में जानते हैं कि जो ड्रामा होता है, जो नाटक होता है, उस नाटक को एक स्टेज के ऊपर, मान लो यह एक स्टेज है और ये जो क्लास है उसको आप एक ड्रामे का कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें यहां जो ड्रामेटिक डिवाइस को जो काम में आ रही है वो एक स्टेज है, और एक ऑडियंस के सामने जो हमारे दर्शक है, जो एक ऑडियंस हमारी है, उस ऑडियंस के सामने इसको परफॉर्म किया जाता है। किसको? ड्रामा। ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, और ऑडियंस के सामने किया जाता है। अब जो ड्रामा के मेन जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स यानी कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ड्रामा के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है? यानी हम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं तो ड्रामा के अंदर क्या क्या चीजें होनी आवश्यक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए ड्रामा हैज, एक ड्रामा में होते हैं, ओके? सबसे पहला एक ड्रामा में उसका क्या होता है, एक प्लॉट होता है दोस्तों। क्या होता है? प्लॉट होता है। प्लॉट जिसको आप हिंदी में अच्छे तरीके से जानते हैं, प्लॉट क्या है, नहीं भी है तो मैं आपको बता दूंगा। दो नंबर उसका है वो है उसके करेक्टर्स है। क्या है? करेक्टर्स। पहला प्लॉट, सेकेंड करेक्टर, एंड थर्ड वो है डायलॉग्स। क्या है स्टूडेंट्स? प्लॉट, करेक्टर्स एंड डायलॉग। और फोर्थ जो है वो है एटमॉस्फियर। क्या है? एटमॉस्फियर है। और फिफ्थ है
वो है एटमॉस्फेयर के बाद में वो है आउटलुक। ये चीजें हैं वो एक ड्रामा में होता है। प्लॉट से मीनिंग है कथानक, यानी उसका एक प्लॉट होना चाहिए, उसके विशेष एक स्टोरी होनी चाहिए कोई चीज के पीछे, और उसमें कैरेक्टर्स यानी जो पात्र है, जो भी लोग उस ड्रामा में भाग ले रहे हैं, दोस पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द ड्रामा, इट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। डायलॉग्स संवाद है, वो बातचीत है, वो कन्वर्सेशन है जिसे हम डायलॉग्स कहते हैं। कोई भी स्टोरी होगी जब दो या दो से अधिक लोग जब आपस में क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायलॉग्स कहते हैं। इन डायलॉग्स को अगर हम अनदर वर्ड में अगर समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम कन्वर्सेशन कह सकते हैं। तीसरा एटमॉस्फेयर, एक वातावरण होना चाहिए। एक हमारे पास एटमॉस्फेयर से मतलब ये होता है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमें किसी ड्रामा के अंदर ये शो करना है कि कोई राजा महाराजा की कहानी है, तो आपको उसी तरीके का वातावरण मिलेगा, जैसे मुकुट लगाए हुए, वैसी उसकी पोशाक, एक महल का दृश्य ऐसा आपको मिलेगा डेफिनेटली। अगर उसके अंदर अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो क्या होगा, एक गुड ड्रामा नहीं होगा। यानी हम स्टोरी कोई, हमारा प्लॉट कोई और है और हम उसके ऊपर एटमॉस्फेयर अलग तरीके का क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कोई ड्रामा नहीं होता है। इसीलिए उसका एक अपना विशेष क्या होता है, एटमॉस्फेयर दिखाना है। आउटलुक यानी इसका जो परिदृश्य है, जो उसके बाहरी जो उसका लुक है, वो उसका किस तरीके से दिख रहा है। स्टूडेंट्स these all are very important elements of a drama, so I think that you would learn one by one. आप इसको याद रखेंगे, plot, characters, dialogues, atmosphere and outlook, ये एक drama के अंदर आने वाली सबसे important चीज है। Next है वो है drama के अंदर, कोई भी एक drama होगा वो एक society को, वो एक कल्चर को, वो एक सिविलाइजेशन को क्या करती है, एक मैसेज डिलीवर करती है लोगों को। वो हमें उस ड्रामा के माध्यम से हमें एक क्या मिलेगा, संदेश मिलेगा। जैसे इसको हम कैसे कह सकते हैं, इट हैज ए मैसेज टू गिवस, हमें देने के लिए उसमें ड्रामा में क्या होता है कि मैसेज होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखेंगे। इसके बाद में ड्रामा से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताने जाता हूं, वो ये है आप याद रखेंगे। वो सबसे अगला है वो है नाउ, आजकल जो है वो स्टूडेंट नाउ थ्री एक्स, एक्स को हम यहाँ पे नाटक के अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यानी नाटक में अगर आपने नाटक देखा है तो देखो दृश्य प्रथम या अंक प्रथम इस प्रकार से दिया होता है। तो नाउ थ्री एक्स यानी अंक आर कंसिडर्ड sufficient in the typical Elizabethan drama. Now, 3x are considered sufficient in the typical Elizabethan drama, यानी Elizabethan युग के जो एक ड्रामा का बहुत बड़ा पार्ट है और ड्रामा का एक बहुत बड़ा तरीका है, उसमें आज है वो कितने अंक है वो कंसीडर किए जाते हैं, 3 अंक। लेकिन वो अंक थोड़े टाइम पहले अगर बात करते हैं तो वो कितने होते थे, 5 होते थे। कितने होते थे, 5 अंक होते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ऐसे पहले अगर बात करते हैं, वो बहुत ही 3-4-5 ऐसे एक्ट्स हैं वो परफॉर्म किए जाते थे ड्रामा के अंदर, लेकिन आजकल 1 एक्ट ड्रामा भी बहुत ही पॉपुलर है। 1 एक्ट ड्रामा, 1 एक्ट ड्रामा से मीनिंग है कि एक पूरे ड्रामा के अंदर आपको एक ही एक्ट मिलेगा। जैसे हम इसको लिखकर और अंडरस्टूड कर सकते हैं इजिली, तो उसमें है आप ध्यान दे रहे हैं आपको कि उसको कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे 1 एक्ट
वन एक्ट आप समझिए, एक अंक हो गया। वन एक्ट प्ले इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। वन एक्ट प्ले इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। एक अंक का नाटक है या प्ले है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाटक बोल सकते हैं, वो भी क्या है, बहुत ही पॉपुलर है स्टूडेंट। एक नाम आपने सोचा होगा ड्रेडन। ड्रेडन एक ड्रामेटिस्ट था, एक नाटककार था। ड्रेडन ने कुछ बातें कही है, वो अगर हम उसको एसिमिलेट कर सकते हैं या उसको हम अंतर्ग्रहण जब कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हैं वो और क्लियर हो सकती है। सो आई थिंक दैट आई विल हैव टू टेल अबाउट दीस लाइन दोस लाइंस व्हिच वर डिस्क्राइब्ड बाय ड्रेडन, जो ड्रेडन ने बताया। ड्रेडन डिस्क्राइब किया किसको, ड्रामा को डिस्क्राइब किया है एज ए जस्ट लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस एंड ह्यूमर्स एंड द चेंजेस of fortunate for delight and instruction of man. Now look at the board and I will try to make you understood easily. Dredden described drama. Dredden ने describe किया drama के बारे में, drama as a just lively image of human nature. Drama है वो एक मानव प्रकृति का एक जीवंत image है, lively image है, यानी जिसको हम देख सकते हैं। Representing और वो represent कर रही है इसको, its passion, इसके passion को and humors, इसके हास्य को and the chances of fortunate, यानी drama हमें दिखाता है भाग्यों को बदलते हुए, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो भाग्य होता है, जो fortunate होता है, वो हमें change होता हुआ दिखाई देता है। For delight किसके लिए, खुशी के लिए, and instruction of mankind और इसमें mankind जो है यानी मानवता है उसको निर्देश दिए जाते हैं। Overall आप इस बात से क्या समझे हैं? हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार की कोई डेफिनेशन है वो आपसे पूछ ली जाए। अगर ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स तो क्या हो सकता है कि ये जो चीजें हैं इससे हम वो चीजें सीखने में हमारी मदद मिलती है जिससे हम एक ड्रामा जो लिटरेरी टर्म्स है उसको हम अच्छी तरीके से है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रामा है वो क्या है। ठीक है, अब जो ड्रामेटिस्ट होता है क्या होता है, ड्रामेटिस्ट होता है जो नाटक लिखने वाला होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, यानी
नाटककार। जो नाटककार होता है, ड्रामेटिस्ट होता है, और एक प्रश्न शायद रीड के अंदर आया था पहले, जिसको एक था, मैं आपको यहां साइड में बता देता हूं, राइटर, लेखक जो राइटर है उसको द राइट भी लिखा हुआ था, याद आ रहा है होगा आपके, आर आई जी एस टी एस द राइट, इसको भी लेखक कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप इस बात को बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप ड्रामेटिस्ट को याद रखेंगे, नाटक जो ड्रामेटिस्ट होता है वो भाई सामने क्या करता है, करेक्टर्स दिखाता है, एटमोस्फियर क्रिएट करता है, एक नाटक लिखता है, ठीक है। लेकिन वो एक खुद तो उसकी जो भावनाएं होती है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, वो सोसाइटी को क्या करना चाहता है, गिव करना चाहता है, उसको देना चाहता है सोसाइटी। और किसके माध्यम से बोलेगा वो अपने करेक्टर के माध्यम से बोलेगा, जो उसके पात्र होंगे उसकी स्टोरी, उसके ड्रामा में, उसके ए ड्रामेटिस्ट जो है वो बोलता है, यानी वो स्पीक्स करता है थ्रू हिज कैरेक्टर्स, यानी अपने पात्रों के माध्यम से वो बोलता है, यानी अपने पात्रों के माध्यम से वो बोलता है। कौन बोलता है? एक ड्रामेटिस्ट बोलता है। स्टूडेंट एक चीज आप देखें कि अब आप सोच रहे हैं कि ड्रामा के भी कोई प्रकार होते हैं, ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमने सोनेट में पढ़ा था, जैसे हमने शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ा था, वैसे देखो आप, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ड्रामा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो देखें भी कौन कौन से दो प्रकार ऐसे हैं ड्रामा के, तो वो देखो, पहला जो प्रकार है ड्रामा का उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी। दूसरा जो ड्रामा का ट्रेजेडी है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं दुखांत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दुखांत। दूसरा है ड्रामा का जो टाइप है उससे हम क्या बोलते हैं, कॉमेडी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमेडी, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, हास्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हास्य कह सकते हैं। यानी ट्रेजेडी एंड कॉमेडी आर टू काइंड्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, ठीक है, साधारण सी बात है। और इतना शायद एजुकेशन आएगा नहीं, थोड़ा डेफिनेशन को लेकर जरूर आ सकता है, इसीलिए मैं अब आपको ट्रेजेडी क्या होता है और कॉमेडी क्या होता है, एक हम अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की हम जानते भी है, ट्रेजेडी है जिसके अंदर दुख की बातें हो, शोक की बातें हो, पेन की बातें हो, यानी कोई ऐसा नाटक जिसमें मरने वाली घटनाएं हो, रोने वाला हो, विलाप उसके अंदर दिया हुआ हो, उसका एंड इस प्रकार से दिखाया गया हो कैरेक्टर्स का, ताकि वो अलग तरीके, यानी जो ऑडियंस है उसके अंदर दुख पैदा कर, उनको उनके उस सीन को, उस एक्ट को देखने के बाद उनको ऐसे लगे, उनकी फीलिंग्स है वो एक लाइफ के डार्कर साइड में चली सके। और एक कॉमेडी है, कॉमेडी का मतलब है हास्य, हास्य यानी जिस नाटक को, जिस प्ले को देखने के बाद हमें क्लियरली क्या है, देखने क्या आ जाए, हंसी आ जाए, यानी ऑडियंस उससे एक अलग तरीके का एंटरटेनमेंट उससे वो ले, वो अलग तरीके का एंटरटेनमेंट हो, एक लाकर वाला होना चाहिए, कॉमेडी हो, और उसको हम एक लाइटर साइड उसको बोल सकते हैं, यानी उस नाटक को वो हल्के में ले, ठीक है, जिसमें उसको ज्यादा सोचना ना पड़े, उसको हम बोलते हैं कॉमेडी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ट्रेजेडी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ट्रेजेडी है उसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो देखेंगे इट डील्स विथ
डार्क साइड ऑफ इट इज विद डार्कर साइड ऑफ द लाइफ, यह डार्कर साइड है लाइफ के, उसको डील्स करता है कौन? ट्रेस्ट। अब हम बात करते हैं कॉमेडी की, तो इसका एकदम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी जो हास्य है उसमें इसमें इतना ही फर्क है कि वो डार्कर साइड को नहीं करके किसको करेगा? लाइट साइड को करेगा। देखेंगे कॉमेडी डील्स विद द लाइटर साइड्स ऑफ द लाइफ, यानी वो लाइफ के लाइटर साइड को क्या करती है? डील्स है वो करती है। ठीक है, अगर कोई आपको एग्जाम में ट्रेजेडी और कॉमेडी से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले तो आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब जो ड्रामेटिस्ट होता है जब वो एक ड्रामा क्रिएट करता है तो उनको कौन सी डिवाइस है वो काम में लेनी पड़ती है, कौन सी ऐसी ड्रामेटिक डिवाइस इसको हम बोल सकते हैं, वो कौन सी ड्रामेटिक डिवाइस को यूज करता होगा? ठीक है, तो देखो ए ड्रामेटिस्ट यूजेस प्रयोग करता है सम सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण ड्रामेटिक डिवाइसेस। यानी वो कुछ महत्वपूर्ण ड्रामेटिक डिवाइसेस को काम में लेता है, यानी नाटकीय युक्तियों को काम में लेता है। ठीक है, और वो कौन सी नाटकीय युक्ति है तो उसको देखेंगे। सच एज इस प्रकार से है वो ड्रामेटिक है, वो है एक तो है सच एज ड्रामेटिक आयरनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यंग्य बोलते हैं। दूसरा है सिलिक्वी, स्लीपी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वागत गीत बोलते हैं। या असाइड जिसको हम बोल सकते हैं, स्वंगत युक्ति बोल सकते हैं। And surprise यानी आश्चर्य को काम में ले सकता है। इतनी वो क्या होती है कि नाटकीय युक्तियां होती है। आई थिंक दैट आपको दिखाई तो दे रहे ना, यानी आयरनी स्लीपी साइड एंड सरप्राइज आर ड्रामेटिक डिवाइसेस विच आर विच द ड्रामेटिस्ट यूज्ड मोस्टली। ड्रामेटिस्ट है वो इनका यूज करता है। नाउ स्टूडेंट्स सम इंपॉर्टेंट ड्रामा विच आर रिटन बाय द फेमस ड्रामेटिस्ट, उन ड्रामा को आपको याद करने हैं। एक चीज है जो ड्रामा की जो एज थी,
जो ड्रामा की एज थी, यानी कौन सी एज में ड्रामा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। ड्रामा का गोल्डन एज कौन सा है? तो आप जानते हैं सभी कौन सा, एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन जो एज है वो है गोल्डन एज है। एरा कह दो या एज कह दो, वो है इसकी गोल्डन एज मानी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामा है वो आपको याद रखने हैं, हो सकते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे अब बेन जॉनसन का है एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर, बेन जॉनसन ठीक है, ये ह्यूमेस का है जिस, तो इसका मैंने बता दिया आपको, एक शेक्सपियर का आपने नाम सुना है, उसके मैं मान लो सिचुएशन के आधारित बताऊं तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स, शायद द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और देन व्हेन वी डिस्कस अबाउट शेक्सपियर आल्सो ए किंग ऑफ ड्रामा, आप साथ में इस चीज को नोटबुक पे जरूर लिखिए। जो शेक्सपियर है उसका लिखा हुआ है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, थॉमस किड की बात करते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी ले लो उसका, द स्पेनिश ट्रेजेडी ले लो, शेक्सपियर का एक और एग्जांपल है जैसे आप हैमलेट है, ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। हैमलेट है वो ले लो आप जो ट्रेजेडी है, और हैमलेट के अलावा अगर आप मैसर फॉर मैसर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैसर फॉर मैसर ले लें, या आप ऐसे ट्रिलियस क्रिसेटा ले सकते हैं, ट्रिलियस क्रिसेटा। विंटर टेल ले सकते हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ले सकते हैं, रोमियो एंड जूलियट ले सकते हैं, जूलियस सीजर ले सकते हैं, जूलियस सीजर, ओथेलो ले सकते हैं, ओथेलो ले सकते हैं, किंग लियर ले सकते हैं आप, और इंपॉर्टेंट आप जानते हैं मैकबेथ आप ले सकते हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ले सकते हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आप ले सकते हैं,
Prince of Tyre how many years XPLP? वो ले सकते हैं, द टेम्पेस्ट ले सकते हैं, सिमली ले सकते हैं आप, ये सारी प्रॉपर्टीज है। ये फेमस ड्रामेटिस्ट के नाम है स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट आप इसको नोटबुक्स में उतारेंगे। और भी अगर आप यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर और जिन विद्यार्थियों के पास लिटरेचर नहीं भी है, वो आप क्या करें, एक ड्रामेटिस्ट की एक लाइन बनाइए, एक पूरी लिस्ट टेबल बनाइए और जो फेमस ड्रामेटिस्ट है और उन फेमस ड्रामेटिस्ट की जो फेमस उनकी जो क्रिएटिविटी, जो उनकी रचना है, जो उनका ड्रामा लिखा हुआ है, उसको आप लर्न जरूर करें। क्योंकि इन दिनों रीट एग्जाम में चीज आ रही है, एग्जाम में बहुत बार आपको कोई ड्रामा और उसके ड्रामेटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, या ऐसे भी आ सकता है एक ड्रामेटिस्ट, या मैंने शेक्सपियर की बहुत सारी इसलिए लिखी है क्योंकि ऐसे हो सकता है कि नहीं उनमें से शेक्सपियर की कौन सी रचना है वो नहीं है, इसलिए आप याद करेंगे। ये था हमारा लिटरेरी टर्म्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा ड्रामा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे लिटरेरी टर्म्स के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, और अगले क्लास में हम आएंगे नए लिटरेरी टर्म्स से। और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।